आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। एक्टिव न्यूज के दर्शकों का मैं सुरेश पठानिया खबरों के इस बुलेटिन में स्वागत करता हूं। भटवार पंचायत में ग्रामीण खेलों के अंतर्गत चल रहे टूर्नामेंट का आज कबड्डी के फाइनल मैच के साथ ही समापन हो गया, जो सदमा व खैरिया टीमों के बीच खेला गया। विजेता को 11,000 रुपए व उपविजेता को 5,100 का नकद इनाम स्थानीय विधायक राकेश पठानिया द्वारा दिया गया। उन्होंने अपनी तरफ से आयोजकों को 21,000 रुपए की राशि भेंट की। कांटे के इस मुकाबले में खैरिया ने सदमा को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। पेश है नूरपुर से सचिन की एक रिपोर्ट। साबित हो जाए इसलिए उन्हें अपनी कोशिश लगातार दिए जा रहा है। ये खिलाड़ी के साथ दोनों टीमों के एक दूसरे से पूरा मुकाबला है। ये हमारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है और सदुआ की और खैरी की टीम दोनों बहुत बढ़िया खेल यहाँ पे खिला रहे हैं और क्लब को मैं अपनी तरफ से 21,000 रुपए दे रहा हूँ ताकि अगली बार ये टूर्नामेंट में कम से कम जो पहला इनाम हो वो 31,000 रुपए का हो अगले साल जब ये टूर्नामेंट यहाँ पे हो, ताकि हमारे बच्चे आगे आए, बच्चों को प्रेरणा का स्रोत मिले। मेरी तरफ से इस क्लब को और इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा है ये जो क्लब ने यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है और ये ऐसी आज एक टूर्नामेंट्स जो ये क्लब्स के माध्यम से हो रहे हैं, हम चाहेंगे कि इनको सरकार का भी आशीर्वाद मिले और ये जब तक ये गेम्स को हम प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक ड्रग्स नशे लड़ेंगे।